हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट के डिब्बे। तो देखिए आज ये बनाने जा रहे हैं मिठाई। ये मिठाई बहुत ही अच्छी और टेस्टी बन की तैयारी हुई है, और कभी भी ये आप त्योहारों पे या ऐसे भी आप ये मिठाई बना की तैयारी कर सकते हैं। और ये मिठाई बजट में भी है, ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती है। ये 30-40 रुपया में 1 किलो मिठाई बन की तैयारी हो जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और बनाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले कोई भी गैस पर कढ़ाई या फ्राई पैन ले लीजिए। तो इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच घी। जैसे ये थोड़ा बड़ा चम्मच है तो 1 चम्मच इसके अंदर घी डाल दिए। तो घी आप जितना मैदा लेते हो उसके हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें 1 कप डाल रहे हैं मैदा। तो कोई भी आप कटोरी या कप से मेजरमेंट कर लीजिए, उनसे क्या मिठाई बहुत ही अच्छी और बन की तैयारी होती है। तो कोई भी आपके घर में जो भी कप या कटोरी जो भी है उनसे आप मेजरमेंट करके डाल दीजिए। तो देखिए 1 कप इसके अंदर मैदा डाल दिए। तो घी आपको थोड़ा कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है उसके हिसाब से थोड़ा घी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए घी ज़्यादा नहीं डाला है, एकदम मैदा मेल्ट हो रहा है ऐसा इसके अंदर घी डाला है। तो घी कम है इसीलिए आपको चलाते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप छोड़ दोगे तो नीचे मैदा चिपक जाएगा तो इसमें एक अलग सी स्मेल आने लग जाएगी। तो इस मैदे को 2-3 मिनट ऐसे चमचे से दबाते हुए एकदम से मिक्स करके और इसको भूनना है। तो इसका कोई भी कलर और चेंज नहीं करना है, इसको 2-3 मिनट भून की और तैयारी करनी है। और इसमें हल्की सी एक खुशबू आने लग जाती है, इतनी देर आपको इसको भूनना है। तो गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है, तेज आंच पे बिल्कुल नहीं भूनना है। तो ये देखिए 2-3 मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ। 2-3 मिनट बाद में ऐसे चमचे से आप ऐसे मेज करते हो तो ये दाना दाने से ये बिखरने लग गया है, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये भून की तैयारी हो गया है। ये मैदा ऐसे आपस में चिपक नहीं रहा है, तो ये देखिए, और इसमें हल्की सी एक खुशबू भी आने लग जाती है तो पता चल जाता है कि भून गया है। तो मैदे को तो साइड में रख दिया है उतार के। और ये ले लीजिए 1 कढ़ाई दूसरी, तो कोई भी आप कढ़ाई या पैन ले लीजिए। इसमें डाल देती हूँ, जिस कप से आप मैदा डाल रहे हो उसी कप से 1 कप चीनी। तो जो भी आप मेजरमेंट से आप कर लीजिए, आप थोड़ा मीठा कम या ज़्यादा पसंद करते हो तो उस हिसाब से आप थोड़ी चीनी कम या ज़्यादा डाल सकते हो। तो जिस कप से 1 कप चीनी डाली उसी कप से 1/2 कप पानी। तो अब इसको कर लेते हैं मेल्ट, गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया और इसको जब तक पकाना है कि एक हल्का सा तार आने लग जाता है, हल्के तार की चाशनी बना के तैयारी करनी है। तो देख लीजिए आप, जैसे एकदम गाढ़ी हो गई है चाशनी, और थोड़ा सा ठंडा करके और अंगुलियों के बीच में लेके देख लीजिए कि ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरा तार नहीं आ रहा है, हल्का सा जैसे अंगुली और अंगूठे के बीच में देखिए हल्का सा तार आता है। तो ये देखिए पूरा एक तार की चाशनी नहीं बनी है, जैसे हल्का सा तार बन रहा है। जैसे हल्का तार बनने लगे इस टाइम देखिए कि चाशनी बन की तैयारी हो गई है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और अब इसके अंदर डाल देते हैं जो मैदा भून के रखा वो मैदा डाल देते हैं। तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके आप डाल दोगे तो क्या होएगा, इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह ये नहीं पड़ेगी, कोई भी लम्स वगैरह नहीं पड़ेगी, अच्छे से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। कि गैस की फ्लेम ऑफ है तो चाशनी गाढ़ी और नहीं हो रही है, आप गैस की फ्लेम को ऑन रखोगे तो गैस से ये चाशनी गाढ़ी हो जाएगी। अब इसके अंदर डाल दिया 1/2 कप मिल्क पाउडर। तो जैसे भी आप इसको अच्छे से मिक्स करके गैस की फ्लेम को ऑन कर लेना है और 2-3 मिनट आप अच्छे से चला के फिर इसके अंदर मिल्क पाउडर डालना है। तो मिल्क पाउडर डाल के और फिर से अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ और गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है, तेज आँच पर नहीं कर रही हूँ मिक्स, मीडियम गैस के फ्लेम पे अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो 2-3 मिनट बाद में इसको देखते हैं कि अच्छे से ये गाढ़ी होगी तैयारी हो जाएगी। तो 2-3 मिनट फिर से इसको आपको अच्छे से चलानी है। तो ये मिठाई आप कभी भी आप बना सकते हो और 10 मिनटों में ये मिठाई बन की तैयारी हो जाती है और बहुत ही अच्छी और टेस्टी मिठाई बनती है। तो अब आज आप इस टाइम देखिए, कोई भी आप खुशबू के लिए इलायची पाउडर
या कोई भी फ्लेवर आप डाल सकते हैं। जैसे रोज वाटर आप, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा रोज वाटर इसके अंदर डाल के और अच्छे से मिक्स कर दिया। तो देखिए आप ऐसे कढ़ाई का पैन छोड़ने लग जाता है, ये एक जगह इकट्ठा होने लग जाता है। तो जब आपको पता चल जाएगा कि ये जमने के कंटेस्ट पर है या नहीं है, तो जमने लायक है। तो या आप थोड़ा सा कोई भी आप चमचे के देखिए ठंडा करके, या कोई भी आप कटोरी के अंदर निकाल के और आप देख लीजिए कि आप ऐसे अंगुलियों से आप ऐसे मिक्स करोगे तो ये देखिए एक गोली सी बन रही है, ये अंगुली के नहीं चिपक रही है। तो ये देखिए जैसे ऐसे ये गोली सी बनने लग जाती है, अंगुली के नहीं चिपकती है, तो ये अब जमने के लायक है। तो कोई भी आप डब्बा या टिफिन, आप जो भी आप मिठाई जिसमें जमा रहे हो, तो ये देखिए एक डिब्बा ले लिया और इसके अंदर फॉइल पेपर बिछा के फॉइल पेपर के ऊपर हल्का सा घी लगा लिया। तो घी लगा के और अब इसके अंदर डाल देती हूँ जो मिक्सर मैदे वाला, वो डाल देती हूँ। तो कोई भी आकृति में आप ये मिठाई बना के तैयारी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी ये मिठाई बनती है। तो अब इसको देखिए चमचे से हल्का हल्का इसको फैला देते हैं। तो कोई भी चमचे या चम्मच की सहायता से आप इसको फैला सकते हैं। ये देखिए बहुत ही जल्दी ये जमने लग जाती है। तो आपको जल्दी से फटाफट इसको हल्का सा फैला के और आपको जमा देना है। तो ऊपर से इसको एकदम से देखिए जमा दिया, चिकना कर दिया। अब इसको कोई भी आकृति में आप कट कर लीजिए। जिस आकृति में आपको मिठाई को कट करनी है उस आकृति में आप मिठाई कट करके तैयारी कर सकते हैं। तो ये मिठाई देखिए चाकू से कट करने से आपको पता चल रहा है कि कितनी ये सॉफ्ट और स्पंज बन के तैयारी हुई है। बहुत ही अच्छी ये मिठाई बनी है और इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। और आप इसमें कलर डालना चाहते हैं तो कोई भी आप कलर भी डाल सकते हैं। तो कोई भी कलर की आप ये मिठाई बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ कि इसकी देखिए कितनी अच्छी मिठाई बनी है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। और देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे से आराम से ये मिठाई टूट रही है। तो देखिए अभी इसको जैसे जमाते जस्ट मैंने इसको कट करके आपको दिखाया, थोड़ी सी ठंडी करके देखिए ये मिठाई बहुत ही और अच्छी बनके तैयारी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। जब भी वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।